हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कल के लिए कुछ इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप कोई भी डिटेल को मिस नहीं करना चाहते तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रह सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। फॉर मल्टीबैगर स्टॉक्स रिकमेंडेशन, स्विंग मोमेंटम ट्रेड्स, स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएशन, कॉन्टैक्ट अस एट stockprotips@gmail.com। स्टॉक मार्केट अपडेट्स और इंट्राडे और स्विंग ट्रेड रिलेटेड स्ट्रैटेजी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। इस वीडियो में यूज किए गए ट्रेड सेटअप को सिर्फ इंट्राडे स्टॉक्स को पिक करने के लिए यूज किया गया है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तब आपको नीचे दिए गए वीडियोस को जरूर रेफर कर लेना चाहिए। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मेजर ग्लोबल इंडेक्सेस जैसे कि डाउ 30, S&P 500 और नैस्डैक को करेंटली हम फ्लैट ट्रेड का दावा देख सकते हैं, लेकिन हम निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स में लगभग 84 पॉइंट्स का एक अपसाइड को करेंटली देख सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट में भी हमें इंडियन रुपी में एक अपट्रेंड फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से कल आपको मार्केट में एक मार्जिनल अपसाइड फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हम इस वीडियो में ऐसे चार स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें कल आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। हमारे लिस्ट में जो पहला स्टॉक है वो है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। आज हमें स्टॉक में लगभग 7.79% का एक सिग्निफिकेंट डाउनसाइड देखने को मिला। इसने आज 459 पे अपना नया 52 वीक्स लो बनाने के बाद 461 के लेवल पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके व्यूअप लेवल्स को काफी ऊपर देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ इसके ऑर्डर बुक में भी हम सेलर साइड में लगभग 8727 स्टॉक्स को करेंटली देख सकते हैं। इस वजह से कल आपको इसमें फिर से सेलिंग प्रेशर बरकरार रहता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इसके टेक्निकल सेटअप की ओर रुख करें तो यहाँ पे आप इसके EMA लेवल्स और VWAP लेवल्स पे अभी भी एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड को देख सकते हैं। ये अपने वॉर्टेक्स इंडिकेटर में करंटली एक सेल कॉल को जनरेट कर रहा है, जिस वजह से कल आपको इसमें ये डाउनसाइड कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप इस स्टॉक को कल सेल साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं। आज हमें IGL में लगभग 4.5% का एक सिग्निफिकेंट डाउनसाइड फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया है। इसने आज 308.4 के लेवल पे अपना इंटरडे लो बनाने के बाद 310.3 के लेवल पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसमें भी इसके व्यूअप लेवल्स को इसके क्लोजिंग ऊपर देख पा रहे हैं। इसके ऑर्डर बुक में हम सेलर साइड में करंटली 3900 से भी ज्यादा स्टॉक्स को देख सकते हैं, जिस वजह से इसमें कल भी आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर हम इसके टेक्निकल सेटअप की ओर करते हैं तो यहाँ पे भी आपको इसके EMA लेवल्स और व्यूअप लेवल्स पे अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाता है। हम इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर में एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश क्रॉसओवर को अभी भी देख पा रहे हैं, जिस वजह से कल भी आपको ये डाउन साइड में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप इसे भी सेल साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आज हमें उज्जीवन फाइनेंस में फिर से 3.5% का एक गिरावट देखने को मिला है। इसने 281.8 के लेवल पे लो बनाने के बाद 286.65 के लेवल पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इसके VWAP लेवल्स को हम इसके क्लोजिंग से ऊपर देख पा रहे हैं और हम इसमें आज लगभग 8.99% का एक मामूली सा डिलीवरी परसेंटेज को देख सकते हैं, जिस वजह से आपको इसमें कल भी ऐसे ही सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके टेक्निकल सेटअप में हम अभी भी इसके EMA लेवल्स और VWAP लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड को देख पा रहे हैं और ये अपने वॉर्टेक्स इंडिकेटर और MACD इंडिकेटर में भी अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सेल कॉल जनरेट कर रहा है, जिस वजह से कल आपको ये इवन फर्दर डाउन साइड में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप इसे भी सेल साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आज हमें BHEL में लगभग 3.36% का एक अपसाइड फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया है। इसमें आज एक लॉन्ग बिल्डअप फॉर्म होने की वजह से आज इसमें आपको ये अपसाइड देखने को मिल रहा है। हम करेंटली इसके ऑर्डर बुक में बायर साइड में 35,000 से भी ज्यादा स्टॉक्स को देख पा रहे हैं और हम इसके VWAP लेवल्स को भी इसके क्लोजिंग से नीचे के लेवल्स पे देख पा रहे हैं, जिस वजह से कल आपको ये अपसाइड कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आप इसके टेक्निकल सेटअप की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे आप इसके EMA लेवल्स और VWAP लेवल्स पे अभी भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को देख पाएंगे और ये अपने वॉर्टेक्स इंडिकेटर में भी एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल को जनरेट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इस वजह से कल आपको ये फर्दर अपसाइड में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप इसे कल बाय साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। टुडे 24th ऑफ जून को मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद हमें दिन भर इसमें एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिला और फाइनली इसने 24 पॉइंट्स के डाउनसाइड के साथ 11,699
0.65 के लेवल पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। करेंटली हम मेजर ग्लोबल इंडाइसेस डाउ 30 में एक अपसाइड को फॉर्म होता हुआ देख पा रहे हैं, जबकि हमें S&P 500 और नैस्टैक में एक मार्जिनल डाउनसाइड फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स में हमें करेंटली 80 पॉइंट्स का एक अपसाइड देखने को मिल जाता है और हम फॉरेक्स मार्केट में भी इंडियन रुपी में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड को यहाँ पे देख सकते हैं। इस वजह से कल आपको मार्केट में एक मार्जिनल अपसाइड देखने को मिल सकता है, तो आपको कल थोड़ा फोकस्ड होते हुए बुलिश सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। आज हम निफ्टी 50 के टेक्निकल चार्ट में फिर से एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ देख पा रहे हैं। इसने अपने 9 डेज और 21 डेज के ईएमए लाइन को ब्रीच करते हुए डाउनसाइड में 11,699.65 के लेवल पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके आरएसआई लेवल में अभी भी एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड को देख सकते हैं, लेकिन कल आपको इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इसके ऑप्शन चेन डेटा की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे हम 11,600 के लेवल्स पे 1.23 लाख और 11,650 के लेवल्स पे 1.76 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं। 11,600 के लेवल्स पे हमें 24,87,525 क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जिस वजह से हम इस लेवल को कल के लिए एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के तौर पे देख सकते हैं। 11,700 के लेवल्स पे हमें कॉल चेन में 3.93 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अगर कल निफ्टी 11,700 के लेवल्स के ऊपर अपना ओपनिंग देता है तो हमें ये 11,750 के लेवल्स की ओर मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि हम इस लेवल पे 9.12 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं। तो हम कल के लिए 11,750 के लेवल्स को एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर देख सकते हैं, और अगर निफ्टी इंट्राडे के दौरान इस लेवल को ब्रीच करने में कामयाब होता है तो हम 11,800 के लेवल्स की ओर मूव कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के टेक्निकल चार्ट में हम निफ्टी की तरह ही एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ देख पा रहे हैं। इसने भी अपने 9 डेज और 21 डेज के ईएमए लाइन को ब्रीच करते हुए डाउनसाइड में 30,602 के लेवल पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इसके आरएसआई लेवल्स में हमें करंटली एक साइडवे ट्रेंड देखने को मिल जाता है, जो कि कल भी आपको कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके ऑप्शन चेन डेटा को अगर हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे आप इसके कॉल साइड पुट साइड में 30,500 के लेवल्स पे 66,000 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं, और इस लेवल पे हमें 6.94,320 क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जिस वजह से कल के लिए हम 30,500 के लेवल्स को एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के तौर पे देख सकते हैं। कॉल साइड में हमें 31,000 के लेवल्स में 2.20 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है, और हम इस लेवल पे 10,40,460 क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस वजह से कल के लिए हम 31,000 के लेवल्स को एक इम्पोर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे देख सकते हैं।